अमेरिका की एक रिपोर्ट में बीजेपी सरकार की आलोचना की गई है। यह आलोचना बीजेपी नेताओं द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन के लिए प्रशंसा की गई है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने मोदी के बयान को एक सकारात्मक विकास करार दिया। आपको बता दें कि इसी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सिफारिशों के कारण ही साल 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा देने में विदेश विभाग ने रोक लगा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव से लेकर अब तक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं ने अपमानजनक टिप्पणियां की, उन पर अनगिनत हमले हुए व हिंदू राष्ट्रवादी समूहों जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू राष्ट्रीय परिषद द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को अंजाम दिया गया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने रिपोर्ट के तथ्यों को सिरे से नकारा है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।